बिस्मिल्ल सब खैरियस होंगे मेरा नाम हैति अहमद आज के इस क्लास में आप सीखेंगे कौन सी ऐसी फाइव मोस्ट डिमांडेड गिग्स हैं फाइवर के ऊपर जिसमें कंपटीशन बहुत कम है बट डिमांड बहुत ज्यादा है इवन अगर आप आज भी गिग्स क्रिएट करें तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द

सीडी डी कवर डिजाइन में आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखें कंपटीशन कितना है चार हजार सात सौ नब्बे अच्छा जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था पांच हजार से कंपटीशन जिन जिन गिग्स का कम है वो गिग्स अच्छी हैं उनमें आप वर्क कर सकते हैं लाइक like यहाँ पे आप किसी भी गिग को उठा लेते हैं लाइक like हम यहाँ से इस बंदे को उठा लेते हैं ठीक है और देखते हैं इसके क्यू में एक ऑर्डर लगा हुआ है सही है इसी तरह यहाँ पे एक और गिग उठा लेते हैं लाइक like दिस इसमें चेक कर लेते हैं इसके दो ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं ठीक है एंड इसी तरह यहाँ पे हम एक रोड उठा लेते हैं लाइक इसको उठा लेते हैं ठीक है एंड इसके क्यू में भी एक ऑर्डर लगा मतलब कुछ ना कुछ इसमें हमें मिल रहा है कंपटीशन कम है ऑर्डर फिर कुछ ना कुछ आ रहे हैं हमें ठीक है नंबर एक नंबर टू यहाँ पे आप सर्च करें दूसरी की गया हमारे पास कौन सी एल्बम कवर आर्ट ठीक है इसको आप सर्च करें एल्बम कवर आर्ट में भी हमारे पास कंपटीशन कितना है बारह हजार नौ सौ सत्रह का सत्रह ठीक है बट इसमें बेसिकली कंपटीशन बेशक ज्यादा है, लेकिन इस फील्ड में काम बहुत ज्यादा है इवन uh, की अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके डालें, लाइक यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिशन -E तो कितना रह गया है दो हजार सात सौ सतासठ मीन के इसमें हम रैंक कर सकते हैं और इसमें भी चेक करते हैं कि वाकई में ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे देखे इसमें भी यहाँ पे एक ऑर्डर क्यू में लगा हुआ है ठीक है सिमिलरली यहाँ पे कोई और हम सर्च कर लेते हैं आ, इस बंदे को देख लेते हैं ठीक है इसके क्यू में अभी ऑर्डर नहीं लेकिन इसकी लास्ट डिलीवरी चेक करते हैं तो वो आठ घंटे पहले थी ठीक है इवन यहां पे आप देखें तो इस बंदे के अभी तक आ, रेटिंग नहीं हुई इसकी इसका कोई रिव्यू नहीं है बट ये भी फिलहाल फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है ठीक है इवन यहाँ पे देखिए इसके तीन रिव्यूज है ये भी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं और स्टार्टिंग प्राइस देख लें इसकी कितनी है दस हजार ठीक है इसकी चार हजार तीन सौ अठाईस ठीक है तो आप इसमें काम कर सकते हैं क्रिएटिव एल्बम कवर आर्ट में ठीक है अच्छा नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपके पास एक और निश्चय है वो है बेसिकली रोल रोल अप बैनर ठीक है रोल ऑफ बैनर आप जब सर्च करेंगे देखिए इसमें कंपटीशन कितना दो हजार छिहत्तर कम्पिटिशन है ठीक है अब इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे लाइक like मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दिखाता हूँ सिमिलरली यहां से हम एक और सर्च कर लेते हैं दिस वन इसको उठा के देख लेते हैं एंड इसके क्यू में भी अच्छा इसके क्यू में तीन ऑर्डर लगे हुए हैं सही है इसके अलावा कोई और उठा लेते हैं लाइक दिस इसको ना हम कोई न्यू सेलर को उठाते हैं लाइक यहां पे आप इसको उठा लेते हैं ठीक है इसके भी दो ऑर्डर्स क्यू में लगे हालांकि ये अभी तक

ठीक डिमांड तो तो बहुत ज्यादा है, है? लेकिन जब हम आर्ट यूज करेंगे साथ में तो देखें इसमें क्या होगा बेसिकली कंपटीशन कितना चार हजार आठ सौ पंद्रह कम्पिटिशन है ठीक है इसमें चेक करते हैं कि ऑर्डर आ रहे नहीं या नहीं आ रहे यहाँ पे इसको मैंने सर्च देखें इसमें एक ऑर्डर क्यू में लगा हुआ है ठीक है इसी तरह हम नेक्स्ट को उठा लेते हैं इसको इसको सर्च करते हैं तो इसके क्यू में ऑर्डर नहीं लगा लास्ट डिलीवरी कब थी वो तीन दिन पहले थी चले और को देख लेते हैं यहां से लाइक हम इसको उठा लेते हैं ठीक है इस भी दो ऑर्डर लगे हुए हैं ठीक है तो बेसिकली बताने का मकसद यह है कि ए आई आर्ट ए आई एन एफ टी आर्ट इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है तो आप इजिली रैंक कर सकते हैं इसी तरह आप यहाँ पे आज के सर्च करें अः सिर्फ एन एफ टी सर्च करें ना एन एफ टी आप एन सर्च करते हैं तो आपको कंपटीशन कितना दिखाई देगा अठारह बट अगर आप एन एफ आर्ट यूज करते हैं ठीक है तो कंपटीशन कितना हो जाएगा हमारे पास 4,815 और अगर आप ए का यूज करेंगे ए आई एन एफ टी आर्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब अगर हम ए आई आर्ट नो कंपटीशन कितना रह गया दो ठीक है तो इसी तरह हमने की को ज्वाइन करना है दो या दो से सेवर्ड्स को तो कंपटीशन हमारे पास बहुत कम हो जाएगा बट हमने देखना है कि ऑर्डर्स किस में आ रहे हैं तो ये बेसिकली कुछ की थे जिसमें अगर आप आज लगाते हैं तो आपको ऑर्डर्स बहुत जल्दी आ सकते हैं मैक्सिमम चांस है कि आपको विद इन वीक विद इन टू वीक्स ऑर्डर आ जाए तो आई होप सो कि आपको आ, की वर्ड्स का आइडिया हो गया कैसे आपने की को सॉर्ट आउट करना है और लो कॉम्पिटेटिव की चूज करना है ठीक है एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपने फाइबर गिग को रैंक करना है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप गिक रैंक कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज